थोड़ा रोल फैक्टर अदा करता है। तो ओ फाइनली यहाँ पे क्या लर्न और क्रीप दोनों स्नाइपिंग करने वाले हैं, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये हमारी मेरे ख्याल से नहीं, फायरिंग गन्स चॉपर आ गई है वहां पे, M4, और साथ ही साथ जो है फेनेक, और फेनेक के साथ साथ में से दो तीन फेनेक और Type 25 भी चल रही है। इंटरेस्टिंग Type 25 काफी ज्यादा ओपी गन है और पहली बार देखने को मिल रही है हमारे ख्याल इस टूर्नामेंट। और यहाँ पे डबल किल निकाल दिए इन्होंने, बहुत अच्छा गेम पे दिखा तो मैं पे वन वन का दोनों स्कोर चल रहा है। ओके यहाँ पे ब्लू टीम ने जो है हार्ड पॉइंट सिक्योर कर लिया, अब उसको बना के रखना है, होल्ड करके रखना है। आगे देखो मैं शॉक्स को देख रहा हूँ, शॉक्स यहाँ पे फेनेक के साथ है। ओके शॉक्स आगे बढ़ते हुए यहाँ पे शॉक, क्या बात है यहाँ पे, क्या ही गेम देख रहे हैं आप। पहले ही फ्री फायर, उनको पता था वहाँ पे बंदा होने वाला, पहले ही फ्री फायर कर दिया वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, ओके लर्न को देख रहे हैं हम लर्न। ओके आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देख रहे हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। ये तो पूरी फाइट चल रही है एकदम घमासान, युद्ध चल रहा है ग्रैनी बॉटम में, और क्या गेम पे दिखाया जा रहा है MYM ब्रोस के द्वारा। पूरी क्या बोलते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा मैं बोलना चाहूंगा कि मोलोटोव जो वो स्पैम हो जाता है हार्ड पॉइंट में, आपको बस आग का जरिए पे चलते चलते निकलना है वहां से, और अगर आप वहां पे पाते हो तभी आप जीत पाओगे। 26-12 का यहाँ पे स्कोर चलता हुआ, देखना ये है कि कौन यहाँ पे हार्ड पॉइंट को अपने नाम करने वाला है। ये बिल्कुल हार्ड पॉइंट को अपने नाम करना है, नाम करने के साथ ही साथ एक मेक श्योर करना है। देखिए इन दोनों टीमों की जब भी मैं कहूंगा, पिछले मैप में भी लड़ाई स्टार्ट हुई तो नेक टू नेक चल रहे थे, वही मैंने कहा कि एक हार्ड पॉइंट आ जाएगा वो गैस स्टेशन के सामने वाला, वहां विंडो को आप कैसे चोक करके, देखिए विंडो को पहले चोक करके रख दिया ब्रोस ZXS ने, और वहां पे करना चाहते थे कुछ मगर वहां उनकी किल मिलती हुई, किल मिलने के साथ ही साथ रेत उनको पिकआउट कर देते फेनिक्स के साथ। और अब जो एक फाइट जो आगे बढ़ेगी, देखिए 34 पॉइंट आ गए, 35 पॉइंट, टीम रिगल्टॉफ ऐसी बढ़त बनाती है गेम के अंदर, और धीरे धीरे करके वो फासला जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस फासले के ऊपर आपको वापस आना, उसको पहले ड्रॉ पॉइंट पे लेकर आना, फिर ड्रॉ पॉइंट से आगे जाना, आगे जाना। तो देखिए बहुत ही पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे, ये रुक नहीं रहे, 49, 50, 51 रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिस हिसाब से क्रीमी खेल रहे हैं ना, बहुत अच्छा किल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्रीमी को एलिमिनेट कर दिया गया है एलिमेंट के द्वारा। एलिमेंट की भी तारीफ करनी चाहिए, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं अपनी टीम से, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी देखना ये है कि क्या कंटेस्ट तो हो चुका है, किसके नाम जाएगा ये हार्ड पॉइंट। ओके ओके यहाँ पे स्काउट ने लिया है अब हार्ड पॉइंट, दोबारा से ले लिया गया ब्लाइंड की टीम से वाला। अभी देखना रहेगा कि टीम क्या करने वाली है इसमें। ओके बहुत ज्यादा ओपी गेम प्ले दिखा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल ओपी गेम प्ले है। और वहां पे फिर देखिए पॉइंट की बढ़त जो है स्काउट की टीम थोड़ी सी लेती हुई, मगर वही है उनको आखिरी के हार्ड पॉइंट के 7 से 8 या वो 10 सेकंड दे रहे हैं, और उत्ते में अपने आप को पूरा जो है रीसेट कर रहे हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। और यहाँ पे टीम जो है टीम वहां पे वेट करते हुए विंडो से अंदर आना चाहते थे, और यहाँ पे पनिश करेंगे उनको जो है डीमन को, और डीमन को मेरे ख्याल से अब फिर से पूरा रास्ता तय करके आना पड़ेगा। टीम रेगल्टॉस अब थोड़ा सा वेट करेगी, क्योंकि अगर फिर से दो प्लेयर मर गए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हार्ड पॉइंट में, जो ध्यान रखना होता है कि अगर आपने अपने दो प्लेयर खो दिए तो उनको फिर आने दीजिए, क्योंकि अनटिल अनलेस आप ट्रेड ऑफ ना करें तो मेरे ख्याल से घुसना जो है नजर हटी नहीं, दुर्घटना घटनी। वैसे काफी अच्छी कोशिश करी थी यहाँ पर वॉल बैंक करने की, बट अनफॉर्चुनेटली कोई दिखा नहीं। जिस हिसाब से इनको गेम प्ले दिख रहा है बहुत अच्छा इनके पास गेम सेंस है। अभी MYM ब्लाइंड ज़ेड को देख रहे हैं मैं, ओके यहाँ पे चेंज हो चुका है, बहुत बढ़िया गेम प्ले चल रहा है यहाँ पे। 65-57 का स्कोर आगे बढ़ चुका है, और यहाँ पे रेगल्टोस की जो टीम है वो लीड बरकरार करते हुए अपने नाम। शॉक आरसी का भी इस्तेमाल किया, शॉक आरसी ऐसी ही मैं कहूंगा छोटी सी एक गाड़ी भी चलती है, ये आपको शॉक काफी करती है, और साथ में एक दो प्लेयर को देखिए यहाँ पे किल मिलता है स्काउट को, इसका फायदा उठाते हुए काफी अच्छा इस बारी अब। मगर फिर से मैं देख रहा हूँ कि टीम रेगल्टॉस जिस तरीके से पॉइंट के पास पहुंची हुई है, मगर अभी भी दोनों में टीमों में से कोई भी पॉइंट कट, और रेत की वो जो प्रेडेटर मिसाइल आई थी वहां पर दो बहुत बड़ी किल्स मिली यहाँ पे, और अभी टॉक्सी ने अपना गुलायत दोबारा से बुला रही है यहाँ पे, और टॉक्सी ने अपना गुलायत लेंगे यहाँ पर, गुलायत लेते ही सारा का सारा मामला चेंज हो सकता है यहाँ पे। आपको क्या लगता है गुलायत से क्या फर्क पड़ेगा? ये बहुत बड़ा फर्क है, देखिए वहां से दूर से FFMG से कनेक्ट किया शॉट, मगर वो एक शॉट काफी नहीं है, मगर जिस तरीके से बार बार वहां पर टॉक्सी पिकआउट कर रहे हैं, अंदर नहीं घुसने दे रहे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये थोड़ी सी सोची समझी रणनीति। मगर यहाँ पे रेत के पास भी XS1 बुलाया था, और एयर स्ट्राइक है, और उसका ये जरूर ओपन हाउस पे इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्टली मुझे भी लग रहा है काफी ज्यादा ओपी जा रहा है, क्योंकि 90-93 का स्कोर चल रहा है, बहुत पास है, कोई भी जीत सकता है, कुछ नहीं कह सकते। ओके यहाँ पे गुलायत का फायदा हमें साफ साफ दिख रहा है, टॉक्सी काफी अच्छा किल कर रहे हैं, काफी अच्छा मेल्ट कर रहे हैं गुलायत के साथ, बहुत अच्छा इनको यूज करना आ रहा है। एनाइलेटर निकाल लिया क्रीमी ने, क्रीमी ने यहाँ पे क्या शॉट किया टॉक्सी को डैमेज का, डबल किल क्रीमी का यहाँ पे, उसको भी ओ तीन यहाँ पे खत्म कर सकते हैं मेरे ख्याल। आगे बढ़ते हुए क्रीमी मेरे ख्याल से ये वाला गुलायत भी गुलायत डिस्ट्रॉय कर देंगे। नहीं नहीं यार जैसे कि मगर मैं आपको बता रहा था पहले कि एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल करेंगे, एयर स्ट्राइक के साथ यहाँ पे स्काउट ओपी को पिकआउट किया, मगर वहां पे एलिमेंट पीछे जाते हुए एनिहिलेटर के साथ एक शॉट कनेक्ट किया, और यहाँ पे जाते हुए दूसरे शॉट से पहले मगर उनको जो है
समाप्त कर दिया गया और ये जो है फिर से 92-180 स्कोर लाइन चल रही है। फिर से टीम रेगल टॉस जो है पकड़ बना के बैठी हुई है। यहाँ पे 22-23 पॉइंट की लीड बहुत ज्यादा घातक साबित हो रही है। ब्लास्टिक शील्ड यूज कर रहे हैं शॉक्स। ओके यहाँ पे खत्म कर देकर मैं कह रहा हूँ काउंटर हर चीज के कॉलर ड्यूटी मोबाइल में। यहाँ पे आप स्लाइड लेके पीछे से मार दिया, ब्लास्टिक शील्ड को बेकार कर दिया गया। बहुत अच्छा गेम खेल चलता हुआ, यहाँ पे देखना चाहिए कौन जीतने वाला है। मेरे ख्याल से इस बार रेगल टॉस की टीम जीतने की जीत के बहुत ज्यादा पास है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। एक बार फिर से कंटेस्टेंट हुआ, दोबारा लिया गया रेगल टॉस की टीम से, यहाँ पे दोबारा से ले जा रहा है, कंटेस्टेंट हो चुका है। ओ काफी अच्छा गेम पे दिखा रहे हैं न्यूट्रिनो, काफी एक के बाद एक बार डबल करने की कोशिश थी बट सिंगल ही ले पाए। सामने बंदा, ओके सामने इन्होंने मेरे ख्याल अपनी शो कार्ड निकाली है। ओके काफी अच्छा गेम पे चलता हूं यहां पे 132-98 का स्कोर, लेकिन यहां पर स्काउट की टीम ने अपना ले लिया है हार्ड पॉइंट। ओके हार्ड पॉइंट चेंज होता हुआ 5 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड, कुछ ही क्षण में आपको पता लग जाएगी कौन किसके पास हार्ड पॉइंट जाने वाला है ये। ओके यहाँ पे चॉपर का काफी अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, एलिमेंट एलिमेंट की तारीफ करनी चाहिए। तो चॉपर को ऐसी गन है, भारी गन है, मोबिलिटी भले ही कम हो जाए पर एक बार चलना स्टार्ट हुई तो एलिमेंट के बाद आप सबसे देखो उनके पास एयर स्ट्राइक, गोलायत और सेंट्री तीनों पड़ी है। लास्ट पॉइंट के अंदर घुसना ही नामुमकिन है टीम स्काउट के लिए। सेंट्री तोड़ते तोड़ते इतना समय लग जाएगा, एयर स्ट्राइक अगर बाहर कनेक्ट कर दी तो एक पॉइंट आपने वैसे ही ब्लॉक कर दिया और बची की जो गुंजाइश है वो आपका गोलायत पूरी कर देगा। तो अब मेरे को लगता नहीं है कि टीम रेगल टॉस को ये 2-0 की बढ़त से टीम स्काउट रोक पाएगी। और ये जो है सीरीज वेस्ट ऑफ थ्री की सीरीज, यहाँ पे टीम रेगल टॉस का जो प्रदर्शन है मैं कहूंगा बहुत ही अव्वल नंबर, बहुत बढ़िया। मैं कहूंगा जितनी सराहना करी जाए कम, रेगल टॉस बिल्कुल यहाँ पे मुस्कुराते हुए चेहरे हम देख रहे हैं।